uh this question is from this question is is from summers 2018 variant 1 1 and it's question number 20 right now this question is related to your redox reaction right this is related to your रिडॉक्स रिएक्शन अब आपको एक चीज मालूम होनी चाहिए कि रिडॉक्स रिएक्शन में अगर आपके दो रिएक्टेंट हैं तो उस रिएक्टेंट में से एक आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है और दूसरा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ठीक है और ऑक्सीडाइजिंग uh, एजेंट जो होता है वो बेसिकली रिड्यूस हो रहा होता है ठीक है और रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो हेल्प कर रहा है इसको रिड्यूस होने में और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो इसको हेल्प कर रहा है ऑक्सीडाइज होने में तो बेसिकली वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो ऑक्सीडाइज हो रहा होता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो खुद रिड्यूस हो रहा होता है एंड दैट इज वाई वी कॉल अ रिडोक्स दिस एज अ अडोक्स प्रोसेस क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन जो है वो साइमल्टेनियसली हो रहा है ठीक है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो रहा है अच्छा वर्कशॉप मैं सिर्फ यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ अच्छा अब हमारे पास कुछ लैब रिड्यूसिंग एजेंट एंड लैब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उनको हम लैब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट क्यों लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही विजिबल कलर चेंज शो करते हैं ठीक है दे शो अ वेरी विजिबल कलर चेंज। सो लैब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर हमारे पास दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। एक है आपका एसिडिफाइड वन इज योर एसिडिफाइड पोटेशियम पर मैग्नेट के ठीक है इसका ओरिजिनल कलर जो होता है पिंक होता है या पर्पल होता है और ये कलर चेंज जो होता है जब आप इसको इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के अंदर डालते हैं तो ये इस रिड्यूसिंग एजेंट को ऑक्सीडाइज कर देता है और व्हेन इट ऑक्सीडाइजेस इट इट्स सेल्फ इट्स कलर चेंजेस फ्रॉम पर्पल और पिंक टू इट विल बी चेंजिंग टू कलरलेस तो के का जो कलर चेंज होता है एसिडिफाइड

ठीक है है अच्छा ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसी तरह से आपके पास दूसरा जो सेकेंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरा लैब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसका नाम है आपका पोटेशियम uh, डाइक्रोमेट इसको भी हम एसिडिफाइड फॉर्म यूज करते हैं वी एड लिटिल बिट ऑफ एसिड टू इट तो एसिड के लिए हम एच पॉजिटिव एंड वी कॉल इट पोटेशियम डाइक्रोमेट के टू K2Cr2O7 टू ओ सेवन इसका ओरिजिनल कलर जो होता है वो ऑरेंज होता है जब आप इसको किसी रिड्यूसिंग एजेंट में डालते हैं तो इसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन ठीक है तो ये हमारे दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं अब ये ये जो क्वेश्चन है इट्स रिलेटेड टू द ऑक्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ओनली ठीक है अच्छा अब मैं आपको बता चुकी हूँ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब हम रिड्यूसिंग एजेंट में डालते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको क्या करेगा ऑक्सीडाइज करेगा अब लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन की हमारे पास चार डेफिनेशन होती है वी हैव फोर डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन ठीक है इन द टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन गेन एंड लॉस वो तो बहुत ही दट वेरी कॉमन विच इज वेरी विजिबल ऑक्सीजन गेन ठीक है गेन एंड लॉस के बेस में अगर ऑक्सीजन गेन हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन है और अगर आपका ऑक्सीजन लॉस हो रहा है तो बेसिकली दैट इज बेसिकली रिडक्शन ठीक है सेकेंड डेफिनेशन इज इन द टर्म ऑफ हाइड्रोजन गेन एंड लॉस अगर हाइड्रोजन आपका लूज uh, हो रहा है तो दैट इज ऑक्सीडेशन और अगर हाइड्रोजन जो है वो गेन हो रहा है ठीक है, तो दैट इज बेसिकली योर रिडक्शन प्रोसेस तीसरा है इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नाउ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो कि एग्जामिनर हमसे स्पेसिफिकली पूछता है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एक्सप्लेन करें कि यहाँ पर कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस हो रहा है तो हमें ये पता होना चाहिए अकॉर्डिंग द ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के जहां पर भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ठीक है that's oxidation. और जहां पे भी इलेक्ट्रॉन होता, होता है तो दैट इज बेसिकली योर रिडक्शन राइट एंड देन लास्टली द फोर्थ डेफिनेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर चेंज ठीक है ये ऑक्सीडेशन नंबर चेंज जो है इसके अंदर किस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होगा अगर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर चेंज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है तो वो ऑक्सीडेशन होता है और अगर आपका डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है री इंपॉर्टेंट डेफिनेशन विच आर रिलेटेड टू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन फर्स्ट एंड टू आर वेरी सिंपल वन लेकिन एग्जामिनर बहुत ज्यादा फोकस करता है आपकी थर्ड डेफिनेशन पे और आपकी फोर्थ डेफिनेशन पे ठीक है तो ये तो बेसिक basic... बेसिक वेरी बेसिक नो हाउ अबाउट द ऑक्सीडेशन एंड एजेंट वो होते हैं और रिड्यूसिंग रिड्यूस करते हैं ठीक है तो दिस इज अकग्राउंड अबाउट द ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट और मैंने अभी आपको बताया था कि लैब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, हैं आपके एस्टिफाइड पोटेशियम पर मैगनेट एंड ठीक है तो ये लैब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमने इनको लैब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों लिया क्योंकि इनका स्पेसिफिक कलर होता है और जब ये दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं तो इनका कलर चेंज हो जाता है अब

ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो माइनस टू होता है बट हाउ मेनी ऑक्सीजन ना देविंग ऑक्सीजन माइनस टू मल्टीप्लाई और एम एन का हम एक्स निकालें और मोलिक्यूल एज अ होल कंपाउंड एज होल का ऑक्सीडन नंबर जो होता है वो जीरो होता है जब आप इसके अंदर एम एन की वैल्यू एक्स अगर आप निकालेंगे तो दिस इज गोइंट टू बीमेनो फोर में एक्स विल बी बेसिकली प्लस एट और ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा हम रोमन नंबर में लिखते हैं तो अभी हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये एक रिएक्टेंट है तो इसका मतलब दूसरा जो रिएक्टेंट होगा वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब वो क्या हो रहा होगा वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा होगा इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज होगा अगर यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर लेट से प्लस वन है तो यहाँ पर इट विल बी मोर देन वन मोर देन प्लस वन क्योंकि ड्यूरिंग द प्रोसेस उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो इंक्रीज हो रहा होता है ठीक है अब अगर हमारे पास अब यहां पर KMnO4 में हमने देखा और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है ये खुद क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है खुद रिड्यूस हो रहा है तो रिड्यूस का मतलब क्या है इसका ऑक्सीडेशन नंबर ड्यूरिंग द प्रोसेस क्या होगा ड्यूरिंग द प्रोसेस डिक्रीज हो रहा होगा क्योंकि ये रिड्यूस हो रहा है तो अगर यहाँ पर इसका plus +7 है KMnO4 का KMnO4 का plus +7 है तो KMnO4 हमेशा एम एन टू प्लस में कन्वर्ट होता है तो प्लस सेवन जो है वो प्लस टू में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है ये फिक्स होता है केवेना फोर जो है के एम एन ओ फोर बेसिकली मैग्नेटाइंस एम एन ओ फोर निगेटिव क्योंकि पोटेशियम पॉजिटिव है तो मैग्नेट आइंस नेगेटिव है तो मैग्नेट आइन्स में पोटास मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा प्लस सेवन होता है मैग्नेट आइंस जो है वो मैग्नीज आयन में चेंज होते हैं और मैग्नीज आइंस का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो प्लस टू होता है तो यहाँ पर आप देख लें दिस इज अ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इसलिए हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो खुद रिड्यूस होता है और रिडक्शन हमें कैसे पता चला जब ऑक्सीडेशन नंबर उनका डिक्रीज हुआ ठीक है

और जो आइंस के ऊपर जो चार्जेस होते हैं वो उनका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है तो बेसिकली इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस टू से लेकर प्लस थ्री हो गया तो मेरा जो यहाँ पर अगर के अगर मैं यूज कर रही हूँ तो इसने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया मेरे इस सब्सटेंस को आयरन टू को इन आयरन दैट मीन्स इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने आयरन टू को ऑक्सीडाइज कर दिया फ्रॉम आयरन टू टू आयरन थ्री अब ये पॉसिबिलिटी है ये आयरन टू है ये FeCl जो है, वो आपका एफ ई सी एल थ्री में कन्वर्ट हो सकता है इसका मतलब ये है कि ये से plus 2 से लेकर प्लस थ्री में कन्वर्ट होगा तो ये इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है जब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं तो दैट मीनस ये सबसे जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया तो यस दिस इज अ पॉसिबिलिटी कि मेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है फ्रॉम आयरन टू टू आयरन थ्री ठीक है तो ये पॉसिबिलिटी है अब हमारे आता है ऑप्शन थ्री इथेनॉल अब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने कहा हमने पढ़ा है कि इथेनॉल विच इज एन अल्कोहल ये एक अल्कोहल ये होमोलोगस सीरीज है ठीक है अल्कोहल इसका जनरल फॉर्मुला होता है सी एन एच टू एन प्लस वन ठीक है एल्कोहल होमोलोग रिएक्शंस होते हैं एक है जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन और दूसरा है रिएक्शन एस्ट्रफिकेशन ठीक है दूसरा एस्ट्रफिकेशन अब यहां पर हमें फोकस करना है ऑक्सीडेशन पे क्योंकि हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ही बात कर रहे हैं तो जब भी एल्कोहल जब भी एल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है अब मैं यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में इफ आई एम राइटिंग दिस इन द स्क्वायर ब्रैकेट दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हेल्प करते हैं इन द ऑक्सीडेशन प्रोसेस तो जब भी आपका अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है दे ऑलवेज गिव यू कार्बोक्सिलिक एसिड ठीक है दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन एल्कोहॉल दिस इज अ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एल्कोहल अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या है हमारे पास कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं एक है आपके पास पोटेशियम पर मैगनेट और दूसरा है आपके पास एस्टिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ठीक है तो यस यहां पर भी थर्ड भी ऑक्सीडाइज होगा बिकॉज इट्स अ नॉन केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन अल्कोहल कि अल्कोहल व्हेन ऑन ऑक्सीडेशन बाय एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एनी वन ऑफ देम They will be giving you -like acid, लेकिन एक बात मैं आपको और बताऊं तो इसका मतलब हमारे और है। इनका एस्टिफाइड पोटेशियम पर मैगनेट इनको ऑक्सीडेशन कर सकता है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आयरन टू को कन्वर्ट कर सकता है इन टू आयरन थ्री ठीक है और एल्कोहॉल को कन्वर्ट कर सकता है इन टू कार्बोक्सलिक एसिड फर्स्ट को नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर मैग्नीशियम आयन को क्या करेगा कन्वर्ट आगे उसके कोई और आयन ही नहीं होता इट्स अ फिक्स्ड इसके ग्रुप टू के हैं तो इसके ऊपर ओनली ऑप्शन टू एंड थ्री एंड वी है प्रोटेक्शन पर मैगनेट तो, so, और अगर एग्जामिनर इसके अंदर ऑब्जर्वेशन पूछता है तो ऑब्जर्व There will be color change from purple or pink to colorless. To colorless. That's it. Fine.